प्रदेश के कन्नौज में एक बार फिर से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यहां एक अराजक तत्व ने देर रात इमाम चौक पर मस्जिद के सामने झंडा लगा दिया और सुबह जब स्थानीय लोग सोकर उठे तो झंडा देख के लोग गुस्से में आ गए। इमाम चौक पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होकर हंगामा करने लगी तो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। सांप्रदायिक तनाव बढ़ता देख पुलिस ने बिना देरी किए मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है। इमाम चौक पर अराजक तत्वों का झंडा लगाते वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे युवक पहले झंडा लेकर आता है, फिर गली में चला जाता है और फिर कुछ सेकंड बाद वो गली से वापस आता है और इमाम चौक पर झंडा लगाकर वहां से फरार हो जाता है। तो सीसीटीवी के जरिए आप इस पूरी घटना को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा मामला कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के मीर उवैस इलाके का बताया जा रहा है, जहां सुबह सुबह लोगों ने मोहल्ले के इमाम चौक पर भगवा झंडा लगाकर देखा तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने जब मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पास के रहने वाला युवक झंडा लगाता हुआ नजर आया। इमाम चौक के पास थोड़ी देर में भारी भीड़ जमा हो गई और गुस्से में लोग नारेबाजी करने लगे। सांप्रदायिक तनाव की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्सेस पहुंची और बड़ी तादाद में यहां पर माहौल को जो खराब करने की कोशिश हो रही थी उसे रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन भी एक्टिव हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी इससे पहले भी माहौल खराब करने की इस तरह की कोशिश कर चुका है। झंडा लगाने से आरोपी गली में जय श्री राम के नारे भी लगा रहा था ताकि माहौल को बिगाड़ा जाए। हम लोग सुबह उठे जब देखा कि अंदर से खबर आई घरों में कि पहले अंदर जाके गलों में गाली दी जाके दरवाजा खटका के जय श्री राम के अंदर घर में नारे लगाए, घर से बाहर निकल के आया, फिर आके यहाँ पे चौक पे झंडा फहराया, उसके बाद उसने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले वो तीन घटनाएं और यहाँ कर चुका है चौक के ऊपर। हम माहौल को खराब करता हम लोग, लेकिन तब भी शांत रहते हैं, लेकिन आज उसने फिर जो है वही हरकत करी, फिर वो झंडे लगाए, उसके बाद धाराएं लगाई जाए, जमानतें होए ना जल्दी, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, वरना माहौल वो ऐसे ही खराब करता रहेगा। कन्नौज का सौहार्द का माहौल है वो खराब करेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गए हैं। रुचि, ये युवक कौन है? इसका नाम सामने आ चुका है, रवि त्रिपाठी बताया जा रहा है। क्या पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और क्या कार्रवाई की जा रही है और आखिरकार इस रवि त्रिपाठी शख्स ने ऐसा क्यों किया? देखिए, गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, क्योंकि आप देखिए रामनवमी में भी करीब अप्रैल के महीने में जब जुलूस निकल रहा था तब भी ये जो इमाम चौक है यहाँ पर भगवा फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय वहाँ आसपास लोग सतर्क थे और उन्होंने झंडा नहीं फहराने दिया था। तो यानी ये माहौल ख़राब करने की साजिश पिछले कई दिनों से चल रही है। अब इस साजिश के पीछे क्या वजह है, क्या ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं, क्यों माहौल ख़राब करने की इस इलाके में कोशिश की जा रही है, इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है, इससे पूछताछ चल रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इसकी वजह पता चल जाएगी, क्योंकि ये जो कन्नौज का इमाम चौक है ये मुस्लिम लोग जो ताज़िया रखते हैं या बाकी जो अपने धर्म के काम करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये साफ है और जैसा वहाँ लोग बता रहे हैं कि घरों में भी इस तरह की कोशिश की गई है झंडे लगाने की, तो क्या वजह है ये पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी ही इस साजिश का खुलासा कर दिया जाएगा। जी रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।